देखिए सबसे पहले हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, जब जब भी हम अपने स्टूडेंट को प्रैक्टिस करवाते हैं ना, तो बहुत सारे लोग का कंफ्यूजन हो जाते हैं कि हम सवाल पूछे क्या, मगर ऑलमोस्ट 400 यानी 300 to 400 मैंने सिर्फ सवाल पूछने के लिए मैंने बनाया है। तो सोचिए कि अगर 400 में कौन ऐसा सवाल होगा किससे क्या पूछना है, वो सारा आपको यहाँ पे मिलेगा और हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। जो मेटेरियल्स होता है ना, मैं अपने स्टूडेंट को देता हूँ प्रैक्टिस करने के वक्त, ये सारे सवाल अपने बच्चों को मैं याद करने के लिए देता हूँ कि कौन सा सवाल कैसे पूछते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हो गया हाउ आर यू, यानी कि आप कैसे हैं। अब यहाँ पे आर की जगह हेल्पिंग वर्ब को हम चेंज करके बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए मुझे पूछना है कि तुम्हारे पिता कैसे थे, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब की जगह हम यहाँ पे वाज का यूज करेंगे, हाउ वाज योर फादर, यानी कि तुम्हारे पिता कैसे थे। तो इस तरह के आंसर क्वेश्चन सेशन में बहुत सारे आपको क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा। आपको सिर्फ क्या करना है कि इन सारे क्वेश्चंस को मेमोराइज करना है कि हम एक दूसरे से सवाल कैसे करेंगे। मैंने अपने स्टूडेंट सुहाना को एक टास्क दिया है कि अपने स्कूल में 10 बच्चों को, यानी कि जैसे मान लीजिए कि मैंने एक टास्क दूंगा, उस टास्क को आपको फुलफिल करना है, 10 बच्चों से जाके सवाल करना है, व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ, 10 बच्चों का नाम लिखना है, 10 बच्चों से सवाल करना है, वो बच्चा क्या सवाल का जवाब देता है वो मुझे जाके यहाँ पे लिखना है। इससे क्या बेनिफिट होगा, दिल का डर खत्म होगा, आप किसी से भी सवाल पूछ सकती हैं। आई होप सो दैट मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बस इसी सवाल को लेके हम लोग अभी भी स्ट्रांग है, यू कैन आस्क ईच एंड एवरीथिंग एनीवेयर। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन है कैसे सवाल पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।